दोस्तों, अपने टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टैलेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि टैलेंट को हिंदी में प्रतिभा कहते हैं और इसे अपनी आम भाषा में हुनर भी कहा जाता है। यह सभी लोगों के अंदर बचपन से एक विशेष गुण होता है और जो व्यक्ति उस विशेष गुण को पहचान जाता है और फिर जब वह उस काम को करता है तो उसका पूरा मन लगता है, वो कभी उस काम से बोर भी नहीं होता और पूरी लगन के साथ उस काम को करता है और बड़ी आसानी से सफल भी हो जाता है। अब बात है अपने टैलेंट को कैसे पहचाने, तो बता दूं कि सभी लोगों के अंदर एक कुछ न कुछ हॉबी होती है और उसी हॉबी में ही उसका टैलेंट छुपा होता है और वह उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे सपने भी देखता है। और जिस काम को करने में हमारा पूरा मन लगता है और आसान भाषा में कहे तो उस काम को हम पूरे दिल के साथ करते हैं और उस काम को करने से हम बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी काम को करने से हमें खुशी मिलती है, पर उसमें शर्त यह होती है उस काम को करने से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते और पैसे के अभाव में कोई दूसरा रोजगार न करना पड़े। अपने टैलेंट को छुपाने से मनुष्य कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, उसका मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए हमेशा अपने मन की सुनो कि क्या पसंद है और काम करे। इस पूरी दुनिया में सभी लोगों के अंदर टैलेंट छुपी होती है और हमें उसी कला को पहले जानना है और फिर उस आधार पर अपना करियर बनाना है। हमारा यही हुनर हमें सफल बनाएगा। अब बात है कि अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचाना जा सकता है। यदि आप अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और आप प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे तो वीडियो को पूरा देखें। यह आपको प्रतिभा पहचानने में मदद करेगी। सबसे पहले आप ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको एक अच्छी सलाह दे सके और जिनकी सलाह का आप सम्मान करते हो, और इस लोगों की इसे आपके अंदर कौन सी विशेष योग्यता दिखाई देती है। आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिनमें आप अपनी आदतें लिखें जो आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप ऊपर बताए बातों को समझे और एक लिस्ट बनाए आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है और उन्हें करने के लिए आपको क्या करना प्रोत्साहित करता है, मतलब कि आप कौन से काम को बेहतर तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह जानना बेहद जरूरी है। वास्तविकता में अपनी प्रतिभा का पता लगना पर्याप्त नहीं होता है। क्या कारण है कि लोगों को अपनी विशेषता का पता होते हुए भी वह उसका विकास नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं तो इस बात का डर कि आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इस बात का भी कि क्या आप अपनी प्रतिभा वाले क्षेत्र में अपनी जीविका कमा पाएंगे कि नहीं, क्या आप नए क्षेत्र के करियर में निवेश करने को तैयार है। अगर सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि अपना अच्छा भला काम छोड़कर कर नए क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत थी। अपने वर्तमान सहकर्मियों का साथ छूट जाने के भय, यह कुछ ऐसे कारण है जिनके चलते आपको यह पता होते हुए भी आप किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन आप जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। अगर वीडियो में कुछ वैल्यू मिली तो एक लाइक जरूर करें।